हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनएस इंजीनियर्स अड्डा। मेरा नाम निर्मल पांडे है। आशा करते हैं कि आपकी तैयारी अच्छे से चल रही होगी और आप मेहनत कर रहे होंगे, क्योंकि समय जैसे जैसे एग्जाम का पास आता जा रहा है, हम समझ सकते हैं कि आपकी फीलिंग्स अभी कहाँ कहाँ पर होंगी, कैसे कैसे थॉट्स आपको आ रहे होंगे। मेहनत भी आप कर रहे होंगे, नर्वस भी आप हो रहे होंगे और बहुत मिक्स्ड फीलिंग्स होती हैं। लेकिन यकीन मानिए, जो प्रिपरेशन वाली जो फेज होती है ना, वो जो टाइम होता है वो सबसे अच्छा होता है, क्योंकि हम डिसिप्लिन्ड होते हैं, हम अपने काम को लेकर बहुत सिंसियर होते हैं, ईमानदार होते हैं। और सिलेक्शन के बाद आप जब पीछे मुड़ के ये चीज़ों को देखेंगे ना, तो आप बहुत एंजॉय करेंगे। आप एक चीज़ जरूर सोचेंगे कि मैं बेफिजूल जो है टेंशन ले रहा था, उतना टेंशन लेने की कोई बात नहीं थी। लेकिन ये भी है ना कि अगर टेंशन नहीं है और थोड़ा बहुत नर्वसनेस नहीं है, तो फिर एग्जाम का फिर मतलब क्या? परीक्षा नाम वही है ना, आपकी परीक्षा ले रहा है, तो परीक्षा है तो थोड़ा बहुत तो टेंशन होना लाजमी है। तो जो टेंशन की बात है, उसी पे आज जो है वीडियो है। बहुत आप में से जो है नॉनटेक को लेकर बहुत परेशान होते हैं, मुझे बहुत सारे मैसेजेस आते हैं कि कैसे पढ़ना चाहिए, इस सेक्शन को कैसे करना चाहिए। तो हमने सोचा कि क्यों ना एक वीडियो बना दिया जाए। तो नॉनटेक का भी ये सीरीज होगा, एक वीडियो में पूरा कंप्लीट करना पॉसिबल नहीं है, हम पार्ट बाय पार्ट इसे कंप्लीट करेंगे। आपका जो वर्क रिलेटेड वाला भी है, उसे भी मैं बताता चलूंगा, कुछ पढ़ाता भी चलूंगा, ताकि आपको उसमें हेल्प हो जाए। आज जो है हम आपके नॉनटेक का जो पहला पोर्शन है जनरल नॉलेज, उसे डील करेंगे। उसके अलावा नॉलेज ऑफ कंप्यूटर का भी मैं कुछ बता दूंगा आपको, और रीजनिंग का भी कुछ पार्ट बता दूंगा। आपको पता है कि अब जो व्यापम है, जो आपका एग्जाम ले रहा है, ये ऐसा है कि आपका जो 1/3 है ये नॉनटेक पे बेस्ड है और 2/3 आपका टेक्निकल हो गया 100 मार्क का। तो ये 50 मार्क काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। आपको डूबना नहीं है इस 50 मार्क में। अगर आप एकदम ऊपर नहीं भी चढ़ सकते हैं तो भी डूबना नहीं है, आप समझिए। आपको अगर अपना कंपटीशन में बने रहना है तो एक एटलीस्ट मार्क आपको इसमें गेन करना पड़ेगा, ताकि आप इसमें बने रहें। वो मार्क मैं आपको बता सकता हूँ, 30 नंबर के आसपास करीबन आपका होना चाहिए कम से कम में, ठीक है? उससे कम होगा तो दिक्कतें हो सकती हैं, कम से कम 30 मार्क तो होना चाहिए, और उसके बाद फिर आपको टेक्निकल में उठाना पड़ेगा अपना, वो हो जाएगा। 30 मार्क कम से कम में होना चाहिए, 35 हुआ तो और अच्छा, ठीक है? और उससे ऊपर तो अच्छा है ही, उतना तो आप समझ ही रहे हैं। तो जो जनरल नॉलेज वाला पार्ट है, उसमें सबसे पहले तो ये है करंट अफेयर्स नेशनल एंड इंटरनेशनल। अब मुझे क्वेश्चन आते हैं कि कितने महीनों का करंट अफेयर्स देखना चाहिए। देखिए, सबसे पहले तो आप सेक्शन का डिवीजन देखिए। जनरल नॉलेज 15 मार्क, कंप्यूटर 15 मार्क, 10 मार्क का रीजनिंग और 10 मार्क आपका वर्क रिलेटेड। अब 15 मार्क का जनरल नॉलेज में करंट अफेयर्स भी है, इंडिया जीके भी है और छत्तीसगढ़ जीके भी है। अब क्या चाह रहे हैं, कितना समय देना चाह रहे हैं आप करंट अफेयर्स को? आप अगर साल भर का अगर पढ़ना ही स्टार्ट कर दिए तो आपका समय कहाँ कहाँ पे जाएगा, और कैसे वो सब चीजों को आप दिमाग में रखेंगे? तो आपको साल भर का भी नहीं पढ़ना है, आपको 3 महीने तक का भी नहीं पढ़ना है। मैं बता रहा हूँ, मुश्किल से 2 क्वेश्चन आएगा करंट अफेयर्स, उससे ज्यादा नहीं आएगा। एक भी आ सकता है और 2 भी आ सकता है, 2 से ज्यादा तो नहीं आएगा, ठीक है? अब 2 जो आएगा वो कौन कौन सा आएगा? सबसे पहले जो आपको ये देखना है कि कौन कौन से जो इवेंट्स है बहुत इंपॉर्टेंट अभी चल रहे हैं आपके एग्जाम के आसपास वाले टाइम पे। आप देख सकते हैं कि आपका जो यूक्रेन वाला वॉर है, ये इंपॉर्टेंट है, और उसका क्या इंपैक्ट है इंडिया पे, चाहे वो इकोनॉमिक इंपैक्ट हो या बिजनेस इंपैक्ट हो या पॉलिटिकल इंपैक्ट हो, पहला चीज। दूसरा चीज, हम इवैक्यूएशन के लिए कौन कौन सा जो मिशंस है वो लागू किए थे, उनका नाम पता होना चाहिए, है ना? ये सब इंपॉर्टेंट है। दूसरा चीज, ओलंपिक्स इंपॉर्टेंट हमेशा रहेगा, है ना? उसमें कुछ इवेंट्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारा गोल्ड मेडल बहुत इंपॉर्टेंट है उसमें, बाकी मेडल्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो सब के बारे में आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट, स्पोर्ट्स से एक करंट अफेयर्स आने का बहुत चांस है, तो आपको उसको बहुत ध्यान देना है स्पोर्ट्स पे। चाहे अभी देखिए वुमेन्स वर्ल्ड कप चल रहा है, इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए कि क्या हो रहा है वहां पे, कैसा इंडिया परफॉर्म कर रही है। मिक्स्ड परफॉर्मेंस है, शुरू में ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस था, अभी मिक्स्ड है, ये पता होना चाहिए। उसके बाद अभी इलेक्शंस हुए, अब कौन से नए इलेक्शंस हुए, वहां के सीएम कौन बने, ये इंपॉर्टेंट है। इस हाल फिलहाल में आप देख रहे हैं कि कुछ मूवीज जो है वो बहुत चर्चित रही है, तो उनके डायरेक्टर कौन है, है ना? वो किन पे बेस्ड है, कुछ आर्टिकल है क्या उनसे रिलेटेड, ये हो गया। कुछ अमेंडमेंट्स आए हैं क्या इस समय पर, ये इंपॉर्टेंट है। और इस तरीके के जो चीजें हैं ये इंपॉर्टेंट है, इसी को आपको पढ़ना है। ऐसा नहीं कि उठा के आप महीनों महीनों का पढ़े जा रहे हैं,
कहां से लाएंगे इतना समय अगर आपका इतना ज्यादा पोर्शन है? आपको स्मार्ट स्टडी करना होगा, नहीं तो बहुत मुश्किल हो जाएगा आपको। ठीक है, स्मार्ट स्टडी। और उसके बाद आपको ये पता होना चाहिए कि करंट अफेयर्स का मतलब ये नहीं है कि साल साल भर का पढ़ना स्टार्ट कर दें। नेक्स्ट इंडिया जीके में क्या दिया हुआ है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, पॉलिटिकल सिस्टम एंड इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। कहने का मतलब ये पॉलिटिक्स वाला जो पार्ट है उसको डील कर रहा है। तो इसमें जो आपका प्रीएम्बल हो गया, फंडामेंटल राइट्स हो गया, फंडामेंटल ड्यूटीज हो गया, अमेंडमेंट्स हो गए, आपके जो क्वालिफिकेशंस फॉर द प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, एमएलएस, एमपीस, है ना, ये सब हो गया। आर्टिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये सब चीजों के रिवॉल्विंग आपको क्वेश्चंस वहां पे पूछेगा, है ना। इसके अलावा आपको क्या पूछ सकता है, स्टेट्स के बारे में पूछ सकता है कि इसका फॉर्मेशन कब हुआ। अमेंडमेंट्स इंपॉर्टेंट है, ड्यूटीज आया तो कौन से अमेंडमेंट से आया, कब आया, 1976 वाला मिनी कॉन्स्टिट्यूशन या 78 वाला जो अमेंडमेंट है वो क्यों इंपॉर्टेंट है, 42nd और 44th अमेंडमेंट, है ना। उसके बाद हमारा ड्राफ्टिंग कमेटी हो गया। सेम चीजें हैं, आप जो एससीएस में तैयारी किए थे या नॉर्मल जो जीके में आप तैयारी करते हैं उसी को देखना, एकदम ज्यादा डीप में नहीं जाना है। तो जनरल नॉलेज वाला पार्ट है ये, इसका जो मेहनत है बहुत ज्यादा है और इसका रिवॉर्ड बहुत कम है। 15 मार्क का है ये, है ना। आप बहुत ज्यादा मेहनत करेंगे, बहुत ज्यादा समय देंगे, लेकिन इसके सेक्शंस ऐसे हैं कि एक एक क्वेश्चन सबसे आ जाएगा, तब आप कैसे करेंगे। इंडिया जीके का तो फिर भी आप लोगों को बहुत आइडिया होगा क्योंकि आप जानते भी हैं और पढ़ भी चुके होंगे। मैं छत्तीसगढ़ जीके को थोड़ा सा ज्यादा अच्छे से बताता हूँ अभी। इंडिया जीके में जितना मैंने बताया उतना तो एटलीस्ट आपको करना है, उसके अलावा भी आसपास वाली चीजें देख लीजिएगा। आरटीआई एक्ट कब आया, है ना, उनके पहले कौन थे इन इस टाइप का, 2005 वाला डेट हो गया और इस टाइप से रिलेटेड, है ना। वाटर डिस्प्यूट्स वाले जो अमेंडमेंट्स हैं, है ना, वो भी इम्पोर्टेंट है। कोई ट्रीटी है क्या इंडिया और पाकिस्तान का, वो इम्पोर्टेंट हो गया। नेक्स्ट छत्तीसगढ़ जीके में मैं आपको एक ब्रीफ जो है ना ओवरव्यू दे दूंगा कि किन किन टॉपिक से आपको ज्यादा अच्छे से पढ़ना होगा, है ना। आप सब नहीं पढ़ सकते, और अगर आप सब पढ़ने जा रहे हैं तो आपका समय बहुत चला जाएगा और आप उन चीजों पे समय नहीं दे पाएंगे जो अभी के टाइम पे बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सबसे पहले तो बिल्डिंग्स ऑफ द छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट, है ना, इंपॉर्टेंट है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या होगा, जो अपना इंजीनियर इन चीफ के जो ऑफिस है उनको किस नाम से जाना जाता है, क्वेश्चन तो यहीं से फ्रेम हो सकता है। वो महानदी भवन है, इंद्रावती भवन है, सिहावा भवन है या रामगिरी माउंटेन्स है, तो चारों तो ऐसा लग रहा है कि वाटर रिसोर्स से रिलेटेड हो सकता है, लेकिन इसमें से है कौन सा, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो छोटी छोटी चीजें हैं, जैसे हमारे माननीय सचिव कौन है, हमारे डिपार्टमेंट के माननीय जो इंजीनियर इन चीफ हैं, चीफ इंजीनियर्स हैं, वो कौन है, हमारे यहाँ कितने बेसिन्स हैं, ये इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा हमारे माननीय मंत्री कौन है वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट के, वो इंपॉर्टेंट है। छत्तीसगढ़ के जनरल इंट्रोडक्शन, जैसे फाउंडेशन, कैपिटल, हाई कोर्ट, रेलवे सर्कल, तहसील कौन सा लार्जेस्ट है, ब्लॉक कौन सा लार्जेस्ट है, हमारा जो एरिया है वो इंडिया के रेस्पेक्ट में कितना है, हमारा पॉपुलेशन इंडिया के रेस्पेक्ट में कितना है, छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन पूछ तो सकता है, इनको आपको पता होना चाहिए। ज्योग्राफी वाला पार्ट अच्छे से करना है, क्योंकि ज्योग्राफी हो गया, हमारे रिवर्स हो गए, एग्रीकल्चर हो गया, इरिगेशन हो गया, फॉरेस्ट हो गए, ये देखिए डायरेक्टली या इनडायरेक्टली वाटर रिसोर्स से रिलेटेड है। जो भी चीजें वाटर रिसोर्स से रिलेटेड होंगी आपको उनको पकड़ के पढ़ना, इतना देख लीजिए क्या आप जो पढ़ रहे हैं वो वाटर रिसोर्स से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कनेक्टेड है या नहीं। अगर वो कनेक्टेड है तो आप पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, कुछ सोचने वाली बात नहीं है। उसके अलावा जो चीजें हैं उनको आपको ब्रीफ में देखना है, एकदम ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है, उतना समय नहीं है, और ये एक सही अप्रोच नहीं है इस पर्टिकुलर सेक्शन को डील करने का, समय के हिसाब से भी और मार्क के हिसाब से भी। नेक्स्ट, फर्स्ट इन छत्तीसगढ़, मतलब मैं अभी हरिराम सर की जो बुक है उसी से मैं बता रहा हूँ, क्योंकि मेरा ये मानना है कि इस बुक में बहुत अच्छे से कंपाइल किया हुआ है। तो आप हरिराम सर पटेल सर की जो बुक है इसी को फॉलो कीजिएगा, ये मेरा एडवाइस है, ये आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिल जाएगी। तो पहले सेक्रेटरी कौन थे, पहले गवर्नर कौन थे, पहले एक्टिंग चीफ जस्टिस कौन थे, पहले फीमेल मिनिस्टर कौन थे, है ना, और पहले जो है मतलब मंगल पांडे ऑफ छत्तीसगढ़ किन्हें कहा जाता है, गांधी ऑफ बस्तर, गांधी ऑफ छत्तीसगढ़, छोटी छोटी चीजें हैं, एक एक बार रीड मार के चलते चलिए। याद आया तो ठीक, नहीं आया तो एक दो बार रीड मार के रखेंगे, ऑप्शन में टिक भी कर पाएंगे, और अगर नहीं याद आ रहा है तो बहुत ज्यादा रिस्क लेने की जरूरत नहीं है।
हम बताएंगे कि कैसे आप 30 से 35 नंबर आराम से इसमें आप स्कोर कर सकते हैं, अगर आप जनरल नॉलेज आपका अच्छे से नहीं भी है तो भी। थोड़ा सा स्मार्ट स्टडी आपको करना होगा, अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आप देखेंगे आप फंसेंगे एग्जाम में। उसके बाद इंपॉर्टेंट प्लेस ऑफ छत्तीसगढ़ इंपॉर्टेंट है, जैसे वाराणसी ऑफ छत्तीसगढ़ किन्हें कहा जाता है, कौन से जगह को कहा जाता है, आइलैंड ऑफ सल्फ फॉरेस्ट कौन सा है, बस्तर है जान रहे हैं आप, शिमला ऑफ छत्तीसगढ़, सिटी ऑफ स्क्वायर, सिटी ऑफ टेम्पल्स एंड पॉन्ड्स, सिटी ऑफ टैंक्स एंड पॉन्ड्स, रतनपुर जो है, कितने अभयारण्य हैं अपने यहाँ, कितने नेशनल पार्क हैं अपने यहाँ, सबसे बड़ा नेशनल पार्क, सबसे छोटा नेशनल पार्क, सबसे बड़ा सेंचुरी, सबसे छोटा सेंचुरी, ये सब इंपॉर्टेंट है। रिवर्स, गंगा ऑफ छत्तीसगढ़, लाइफ लाइन ऑफ छत्तीसगढ़, लॉन्गेस्ट रिवर कौन सा है, लाइफ लाइन ऑफ बस्तर कौन सा है, लाइफ लाइन ऑफ सरगुजा कौन सा है, लॉन्गेस्ट फ्लोइंग रिवर कौन सा है, मोस्ट पोल्यूटेड कौन सा है ना। उसके बाद जो है छत्तीसगढ़ वर्ड कैसे आया, हमारा जो स्टेट सिंबल है वो कौन सा है, कैसा है, स्टेट सिंबल कब अप्रूव किया गया था 4 सितंबर 2001 को, हमारा जो स्टेट एनिमल है वो कौन सा है, स्टेट फॉरेस्ट स्टेट ट्री कौन सा है, स्टेट बर्ड कौन सा है। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट का फॉर्मेशन वाले डेट्स इंपॉर्टेंट है ना, उन्हें एक बार देख लीजिएगा, तहसील कितने हैं, डेवलपमेंट ब्लॉक्स कितने हैं, ये सबको एकदम डिटेल में नहीं पढ़ना है, मैं आपको बताते जाऊंगा कौन सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे फिजिकल फीचर्स ऑफ छत्तीसगढ़ इंपॉर्टेंट है, इसमें जो आपका लेटिट्यूड लॉन्गिट्यूड इंटरसेक्ट कहाँ पे कर रहा है वो, ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज, हमारे ईस्ट में कौन सा स्टेट है, वेस्ट में, नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, ये सब में कितने स्टेट हमको सराउंड कर रहे हैं, कौन सा स्टेट है जो सबसे ज्यादा हमसे आप बाउंड्री शेयर करता है, कौन सा सबसे कम करता है, ये सब हो गया। उसके बाद कौन सा ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जो दो स्टेट को कनेक्ट कर रहा है, कौन सा ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जो तीन को कर रहा है ना, ये सब हो गए। टॉप मोस्ट या फिर नॉर्दर्न मोस्ट तहसील कौन सा है, सदर्न मोस्ट, ईस्टर्न मोस्ट, वेस्टर्न मोस्ट कौन सा है, कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट में आ रहा है। नॉर्दर्न मोस्ट जो है अपना बलरामपुर वाला है, रामानुगंज जो तहसील है, अपना ईस्टर्न मोस्ट जो है वो जसपुर वाला है, अपना सदर्न मोस्ट कौन सा है, सुकमा का कोंटा तहसील है, और अपना जो वेस्टर्न मोस्ट है वो अपना बीजापुर है और भोपालपट्टनम है, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आपका फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ छत्तीसगढ़, फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ छत्तीसगढ़ में जो है आपका ईस्टर्न बघेलखंड प्लेट्यू, जसपुर समरीपाट रीजन, प्लेन्स ऑफ छत्तीसगढ़ और दंडकारण्य रीजन जो है, इसमें कौन कौन से रॉक्स पाए जाते हैं, कौन कौन से मिनरल्स पाए जाते हैं, कौन कौन से सॉइल पाए जाते हैं, कौन कौन से क्रॉप्स पाए जाते हैं, कौन उनका स्लोप कैसा है, उनका फॉरेस्ट एरिया कैसा है, वेजिटेशन कैसा है, क्लाइमेट कैसा है, हाईएस्ट पीक कौन सा है, टेम्परेचर कैसा है। अब हाईएस्ट पीक से क्या रिलेशन है, हम वाटर रिसोर्स में कंटूर्स का बहुत ज्यादा रोल है, हम कैचमेंट एरिया भी निकालते हैं कंटूर्स के थ्रू, तो हमको पता होना चाहिए माउंटेन्स रेंजेस कैसे हैं, कहाँ कहाँ पे हाई माउंटेन्स है और उनका स्लोप किधर होगा, कैचमेंट एरिया कैसे बन पाएगा, है ना, तो ये सब हमको पता होना चाहिए, इसलिए ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। जो आपका ये जीके वाला छत्तीसगढ़ वाला जो पार्ट है ना, ये भी मैं पार्ट पार्ट बनाऊंगा, क्योंकि एक ही वीडियो में अगर मैं सब बताने की कोशिश करूंगा तो बहुत ज्यादा क्लमजी हो जाएगा, मैं ये बिल्कुल नहीं चाह रहा हूँ। आप बने रहिएगा वीडियोस के माध्यम से, हम धीरे धीरे करके ये सबको कंप्लीट कर देंगे, है ना, जो जो बता रहे हैं इतना तो आपको करना ही है। नेक्स्ट, जसपुर समरीपट रीजन में कौन कौन से मेन रिवर्स हैं, सॉइल्स, उनके क्रॉप्स, कहाँ से निकल रहा है मैनी रिवर, कहाँ से ओरिजिनेट हो रहा है, कहाँ पर जा रहा है, ईस्टर्न बघेलखंड प्लेट्यू, महानदी बेसिन, है ना, उसके बाद दंडकारण्य रीजन जो है उसमें कौन कौन से रिवर्स हैं, कौन कौन से पीक्स हैं, कौन कौन सा मिनरल है। उसके बाद अगर जियोलॉजिकल फॉर्मेशन की बात की जाए तो धारवाड़ सिस्टम है, कडप्पा सिस्टम है, विंध्यन रॉक सिस्टम है, गोंडवाना सिस्टम है, डेक्कन ट्रैप प्लेट्यू है, कहाँ कहाँ पर मौजूद है, है ना, चांद भाकर देवगढ़ माउंटेन्स हैं, कैमूर माउंटेन सीरीज, रामगढ़ माउंटेन सीरीज, सीता लेखनी माउंटेन्स, मैकल सीरीज, सिहावा माउंटेन, छठा पहाड़, दुर्ग मार्जिनल हाईलैंड्स, बैन पार्ट, जसपुर पार्ट, मंडरा पार्ट, जरंग पार्ट, जो पट रीजन है उसे हम प्लेट्यू के नाम से जानते हैं, वहां पे क्या है हमारा, कौन सा मिनरल ज्यादा पाया जाता है, बॉक्साइट पाया जाता है, जमीर पार्ट, दसून पट, ठीक है, बैलाडीला हिल्स, रावघाट हिल्स, अबूझमाड़ माउंटेन्स, केसकाल वैली, आरी डोंगरी, गढ़िया हिल्स, अलबक्का माउंटेन्स, जो आपका अलबक्का है वो आपका बीजापुर एरिया में पाया जाएगा, हमारा जो हाईएस्ट पीक है वो कहाँ पे है ना, जो इंपॉर्टेंट पीक्स हैं, गौरलाता, मैन पार्ट, धारी डोंगरी,
नंदीराज, बदरगढ़, देवगढ़, इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये सब। इनके जो पीक्स है ये भी थोड़ा सा याद रखिएगा, जैसे गौरलाता है वो 1225 का है, गौरलाता के बाद नंदीराज है 1210 का, बदरगढ़ 1176 का है, मैनपाट 1152, अबूझमाड़ 1076, पलमागढ़ जो है 1080, लफागढ़ 1048, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। उसके बाद सॉइल रिसोर्सेस इन छत्तीसगढ़, कौन कौन से सॉइल रिसोर्सेस है, इंपॉर्टेंट पार्ट है। रेड येलो सॉइल मतासी जिसे कहते हैं, रेड सैंडी सॉइल, टीकरा सॉइल, रेड मोल्डेड सॉइल, लैटराइट सॉइल जिसे मुर्मी या भाटा भी कहते हैं, ब्लैक कॉटन सॉइल जिसे कन्हार या भर्री या रेगूर भी कहते हैं, कितने कितने परसेंट है, कहाँ कहाँ पे पाए जाते हैं, कौन सा वाटर स्टोरिंग है, कौन सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे कंस्ट्रक्शन के लिए, ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपका वर्क रिलेटेड वाले जो पार्ट है उसमें ये चीज मेंशन किया है कि रिलेटेड टू सॉइल, तो कौन सा सॉइल आप यूज कर सकते हैं। हमने CNS मटेरियल का भी बात किया था अपने लाइव वीडियोस में, हम जब उसके अलग से वीडियोस बनाएंगे उसको और डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट आपका क्लाइमेट ऑफ छत्तीसगढ़, क्लाइमेट ऑफ छत्तीसगढ़ कैसा है हमारा, कोल्डेस्ट प्लेस, हॉटेस्ट प्लेस, कहाँ पे ज्यादा बारिश होती है, कहाँ पे कम होती है ना। उसके बाद माउंटेन रेंजेस कैसे हैं, कैसा कैसा बारिश होती है समर सीजन में, विंटर सीजन में, कहाँ से बारिश होती है, वो साउथ ईस्ट से आ रही है कि साउथ वेस्ट से आ रही है, देख लीजिएगा, है ना। उसके बाद जो आपका ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस है वो कितना इफेक्ट करते हैं, बे ऑफ बंगाल वाला जो है वो कितना इफेक्ट करता है। नेक्स्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है ड्रेनेज सिस्टम ऑफ छत्तीसगढ़, इसको बहुत अच्छे से कर लीजिएगा, बहुत अच्छे से, एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, चार बार रिवर्स आपके दिमाग में छप जाने चाहिए कि कहाँ कहाँ पे कौन कौन सा रिवर है, कहाँ से ओरिजिनेट हो रहा है, उसके ट्रिब्यूटरीज कौन से हैं, डिस्ट्रीब्यूटरीज कौन से हैं, कितना उसका क्षेत्र है, कितना इरिगेट कर पा रहा है ना, कौन कौन सा डैम्स उसमें बना हुआ है, कौन कौन सा एनीकट, कौन कौन से एनीकट तो बहुत छोटा पार्ट हो गया, डैम्स हो गए, उसके बाद आपका बैराज हो गया, कहाँ पे इरिगेशन ज्यादा हो रहा है, कहाँ पे कम हो रहा है, कहाँ पे पॉसिबिलिटीज हैं, कौन कौन से ड्रेनेज सिस्टम है। महानदी ड्रेनेज सिस्टम सबसे बड़ा जो 56% के आसपास है, टू बी एग्जैक्ट 56.15% है। गोदावरी ड्रेनेज सिस्टम 28.64 जो परसेंटेज है। सोन ड्रेनेज सिस्टम 13.63। गोदावरी ड्रेनेज सिस्टम जो है आपका सदर्न मोस्ट पार्ट वाला है जो बस्तर रीजन का है। महानदी ड्रेनेज सिस्टम जो है आपका ये सेंटर बेल्ट का है। सोन ड्रेनेज सिस्टम कौन सा है आपका, सरगुजा ऊपर वाला पार्ट है, सोन गंगा जिसे कहते हैं। उसके बाद ब्राह्मणी ड्रेनेज सिस्टम है जो थोड़ा सा पार्ट है, ये आपका जसपुर, रायगढ़ और आपका सरगुजा एरिया के आसपास का है। नर्मदा ड्रेनेज सिस्टम है जो आपका इधर वाला पार्ट है, थोड़ा सा राजनांदगांव और थोड़ा सा कवर्धा वाला जो पार्ट है वो आता है आपका नर्मदा ड्रेनेज सिस्टम। सबसे छोटा ड्रेनेज सिस्टम है अपने लिए 0.55% का। नेक्स्ट हर ड्रेनेज सिस्टम में कौन कौन से मेन रिवर्स हैं ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। सबसे इंपॉर्टेंट रिवर हो गया महानदी, कहाँ से ओरिजिनेट हो रहा है, सिहावा माउंटेन से, टोटल लेंथ कितना 858, हमारे छत्तीसगढ़ में कितना ये ट्रैवल करता है 286 किलोमीटर। इनके नॉर्थ में जो है ये कौन कौन से रिवर्स हैं, सदर्न में कौन कौन से रिवर्स हैं, उनमें सबसे सबसे बड़े बड़े कौन कौन से हैं, ट्रिब्यूटरीज की बात कर रहा हूँ। कॉन्फ्लुएंसेस ऑफ महानदी रिवर, ठीक है, तीन याद रखिएगा, जैसे राजिम में क्या है महानदी, पैरी और सुंदूर, शिवरी नारायण में क्या है महानदी, शिवनाथ और जोंक, और उसके बाद एक चंद्रपुर है जिसमें महानदी, मंट और लात रिवर है ना, ये तीन कॉन्फ्लुएंसेस है महानदी के, याद रखना है। इसके अलावा जो है एक राजनांदगांव में भी एक जो है कॉन्फ्लुएंस महानदी से रिलेटेड नहीं है, आमनेर, मुस्का और पिपारिया है ना, तो वो भी याद रखिएगा, कॉन्फ्लुएंसेस पूछा जा सकता है। कौन कौन से प्रोजेक्ट्स बने हैं महानदी पे, रुद्री बराज है, गंगरेल डैम है, दुधवा डैम है, इसे हम लाइफलाइन ऑफ छत्तीसगढ़ कहते हैं, लॉन्गेस्ट रिवर इन स्टेट, लॉन्गेस्ट फ्लोइंग रिवर इन छत्तीसगढ़ है ना, तेल रिवर कहाँ से निकल रहा है, हीराकुड डैम कहाँ पे बना हुआ है, छत्तीसगढ़ से बाहर मतलब उड़ीसा में बना हुआ है और छत्तीसगढ़ से कितना दूर है, बहुत रोल है हीराकुड डैम का। कुछ बैक वाटर हमारे स्टेट में भी आ जाता है, प्लस हमारा जो थोड़ा सा वो चल रहा है जो एक पानी को लेकर हमारा जो उड़ीसा के साथ जो थोड़ा सा विवाद चल रहा है उस पर भी थोड़ा सा आपको स्टडी करने की जरूरत है, पेपर में भी आता रहता है अगर आप ध्यान दिए होंगे तो। नेक्स्ट ट्रिब्यूटरीज ऑफ महानदी में दूध रिवर है, सिलियारी है, सोंडूर है, पैरी है, सूखा रिवर है, जोंक रिवर, लात रिवर, सुरांगी रिवर, बलमदेही रिवर है। एंशियंट नेम्स ऑफ द रिवर्स इंपॉर्टेंट है, जैसे महानदी को नीलोत्पाला, चित्रोत्पाला या फिर कनक नंदिनी भी कहते थे, टीलागढ़ को निदिला कहते थे, इंद्रावती को मंदाकिनी कहते थे, शबरी को गुलाब, कोतरी को परलकोट, रिहंत को रेंड, पैरी को पलासिनी, हसदेव को हस्तुसोमा, मंट को मदांगा और खारंग को खुरांग। तो या इसमें से आपका महानदी, लीलागढ़, इंद्रावती, कोतरी, रिहंत इंपॉर्टेंट है, पैरी भी इंपॉर्टेंट है।
रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब देखिए जब आप एसीएस की तैयारी कर रहे होंगे तो शायद इसको अच्छे से नहीं पढ़े होंगे, लेकिन अब ये इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि आप वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट का स्पेशली एग्जाम दे रहे हैं। जैसे महानदी और तांदुला का लिंक प्रोजेक्ट चल रहा है, पैरी और महानदी का चल रहा है, रिहार और ईतम का चल रहा है, पैरीराम और खारंग का चल रहा है, हसदेव और केवाई का चल रहा है, नेक्स्ट शिवनाथ रिवर बहुत इंपॉर्टेंट है। शिवनाथ कहाँ से निकल रहा है? महाराष्ट्र के गोदरी विलेज से निकल रहा है, मतलब उसका ओरिजिनेशन है। कहाँ पे ये फॉल कर रहा है, कितना लेंथ है, इसके कौन कौन से ट्रिब्यूटरीज हैं, कौन कौन से बैराज बने हुए हैं, इसमें कौन कौन से ट्रिब्यूटरीज आ रहे हैं, खरखरा है, तांदुला है, खारून है, यमुनिया है, हाफ रिवर है, मनियारी है, अरपा है, लीलागढ़ है, हसदेव है, मंड है, केलो है, ईब रिवर है। फिर आया आपका गोदावरी रिवर सिस्टम, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, है ना, क्योंकि अपना सेकेंड जो रिवर सिस्टम है सबसे बड़ा उसमें से ही आता है 28% के आसपास। उसमें देखिए सदर मोस्ट पार्ट में है, पोलावरम डैम भी जो है एक विवाद का विषय है हमारे और जो आंध्र स्टेट के बीच है, तो इसके बारे में भी स्टडी कीजिएगा। ये वर्क रिलेटेड में ये सब पूछा जा सकता है। इंद्रावती रिवर फिर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है गोदावरी रिवर सिस्टम में। ये हमारा कौन सा बस्तर के लिए लाइफ लाइन हो गया, 264 किलोमीटर है ना। अब जो है एक इंस्टेंस है, जैसे हम जब इंटरव्यू का तैयारी कर रहे थे तो हमसे एक बार पूछा गया था कि रोहित शर्मा और इंद्रावती रिवर में क्या सिमिलैरिटी है, और क्योंकि हमने जो है अपने पीआई में ये लिखा था कि हमारा क्रिकेट जो है वो इंटरेस्ट है ना, तो उन्होंने पूछा था कि इंद्रावती रिवर और रोहित शर्मा में क्या सिमिलैरिटी है, और हमारा माइंड क्लिक किया क्योंकि रोहित शर्मा का भी ओडीआई में जो हाईएस्ट स्कोर है वो 264 है और इंद्रावती रिवर का भी जो लेंथ है वो 264 है, तो ये चीज मैंने बताया था उस वक्त। कोतरी रिवर इंपॉर्टेंट है, नारंगी रिवर, डंकिनी रिवर, इसमें से आपको ये पता होना चाहिए सबसे पॉल्यूटेड रिवर कौन सा है ना, डंकिनी रिवर है। चबरी रिवर इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें एक मूंगाबहार रिवर निकलता है जो फिर तीरथगढ़ फॉल्स का फॉर्मेशन करता है। बाघ रिवर इंपॉर्टेंट है, रिवर के लेंथ बहुत इंपॉर्टेंट है ना, महानदी का 858 है, छत्तीसगढ़ में 286, शिवनाथ का 290 हो गया, इंद्रावती का 264 हो गया, ईब रिवर का 202 है, हसदेव का 176, शबरी का 173, मंड का 155, रिहंत का 145, लीलागढ़ 135, कोतरी 135, मनियारी 134, कन्हार का 115, अरपा का 100। पूरा अच्छे से पता होना चाहिए कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट से निकल रहा है या फिर ओरिजिनेट हो रहा है, ये भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है आपका सोन गंगा ड्रेनेज सिस्टम। सोन गंगा ड्रेनेज सिस्टम में 13% आता है अपना, इसमें बानस रिवर है, गोपाद रिवर है, रिहंद रिवर है, कन्हार रिवर है, इंपॉर्टेंट है। फिर ब्राह्मणी में जो है दो ही रिवर है, संख और कोयल, इंपॉर्टेंट नहीं है। नर्मदा में बंजर और ताड़ा है, आपका नर्मदा रिवर सिस्टम जो अपना ये राजनांदगांव से इधर जा रहा है आपका एमपी की तरफ, और ब्राह्मणी में क्या है आपका संख और कोयल इधर झारखंड की तरफ बह रहा है वो, और आपका जो सोनगंगा है ये आपका ऊपर की तरफ जा रहा है, आपका यूपी की तरफ, आपका कुछ एमपी की तरफ और कुछ आपका झारखंड की तरफ, ठीक है। वाटरफॉल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट पूछा जा सकता है क्योंकि वाटरफॉल्स जो है पानी जहां जहां दिखा बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ये पार्ट, चाहे वो इरिगेशन है, चाहे इनफैक्ट वो सॉइल भी क्यों ना हो, एग्रीकल्चर क्यों ना हो, वाटरफॉल क्यों ना हो, आपका बैरेज वैरेज भी इंपॉर्टेंट है ही, और आपका रिवर तो मतलब सबसे इंपॉर्टेंट हो गया, माउंटेन्स इंपॉर्टेंट हो गए, क्लाइमेट इंपॉर्टेंट हो गया। समझ पा रहे हैं ना मैं किस एरिया में ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहा हूँ, ऐसे कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है, अमृत धारा, अंकुरी नाला, रामदाहा, ये तो आपका पुरिया हो गया, सूरजपुर में रक्षगंधा है, सरगुजा में सरभंजा है, बलरामपुर में कोथली और पवई है, जसपुर में रानीदा है, राजपुरी है, दमेरा है और पुड़िया रानी है, पुड़िया रानी हम देख चुके हैं काफी अच्छा है, कोरबा में केंदाई है और देव पहाड़ी है, रायगढ़ में रामझरना है और माडूसिल्ली है, महासमुंद में सात देवधारा है, गरियाबंद में गोदना है, कांकेर में मलाज कुंडम और चर्रे मरे फॉल्स हैं, नारायणपुर में खुरसेल है, कवर्धा में रानी धर्रा है। थोड़ा सा बस्तर एरिया वाले पार्ट के वाटरफॉल्स रिवर्स को थोड़ा सा देख लीजिएगा, क्वेश्चन पूछते हैं वहां से। बीजापुर में सात धारा है, सात धारा को जो है बेड़ाघाट से भी ग्रेसफुल कहा जाता है, पूछा गया है तो याद रखना है बेड़ाघाट कहाँ पे है ना। उसके बाद चित्रकूट वाटरफॉल बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत सुंदर भी है, कभी मौका मिले तो बस्तर जरूर आइएगा, और आइए तो हमसे जरूर कॉन्टेक्ट कीजिएगा, हम जगदलपुर से ही हैं। चित्रकूट, इंद्रावती रिवर, तीरथगढ़, मूंगाबहार रिवर बहुत सुंदर है, जब आप
बरसात के वक्त जाएंगे ना तो आप देखेंगे चित्रकूट जो वाटरफॉल से वहां का कलर भी बदलता है, और मस्त जो है उसकी जो चौड़ाई है वो भी जो है बढ़ जाई रहती है। गर्मी के दिन में क्या है वो धार धार हो जाता है, उतना पानी आता नहीं है, लेकिन बरसात के वक्त बहुत बढ़िया होता है। दंतेवाड़ा में सूरतगढ़ है और मेदिनी घूमर है, सुकमा में गुप्तेश्वर और रानी दर्रा है। रानी दर्रा, रानी दा बहुत इंपॉर्टेंट है, राम झरना, रामदा और अमृत धारा, कहाँ कहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट होता है। राम झरना रायगढ़, रामदा कोरिया और अमृत धारा कोरिया, ठीक है। रानी दर्रा सुकमा, रानी दा जसपुर, रानी दर्रा कवर्धा, सात धारा बीजापुर, सात देव धारा महासमुंद। हम ये सब लिख के रखते थे ताकि हम कंफ्यूज ना हो, क्योंकि सिमिलर टर्म्स हैं तो कंफ्यूजन हो जाता है। नेक्स्ट वीडियो में मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स इन छत्तीसगढ़ के बारे में डील करेंगे, आपके डैम्स वैम्स के बारे में थोड़ा सा मैं अच्छे से बताऊंगा ताकि आपको याद भी हो जाए। मेरा उद्देश्य ये है कि कुछ वीडियोस आप अगर देख ले और दिमाग में अगर कुछ भी पार्ट आपके रह गया एग्जाम के लिए तो ये बहुत अच्छा रहेगा। ऐसे ही करके इस पार्ट को कंप्लीट करेंगे। ये जो नॉन टेक वाली सीरीज है इसे बहुत अच्छे से देखिएगा, आपको बहुत हेल्प होगी। नॉन टेक वाला जो पार्ट है मैं थंबनेल में बता दूंगा कि नॉन टेक पार्ट वन, और नीचे मैं लिख दूंगा कि जनरल स्टडीज, फिर पार्ट टू में फिर जनरल स्टडीज, ये तीन पार्ट में कंप्लीट होगा शायद। कंप्यूटर और रीजनिंग वाला पार्ट में एक अलग से बना दूंगा, और वर्क रिलेटेड के भी तीन चार वीडियोस में अपलोड करूंगा। तो नॉन टेक वाला जो पार्ट है 6-7 वीडियो आ सकते हैं इसके, बने रहिएगा, वीडियो जरूर देखिएगा। मेरा यही मानना है कि कुछ ना कुछ आपको हेल्प तो होता ही होगा, और अगर हेल्प होता है तो एक बार इस बार कमेंट करके जरूर बताइएगा। हम ऐसे कहते नहीं है लेकिन कमेंट करके जरूर बताइएगा क्या हमें देखना है कि सही में ये हेल्पफुल हो रही है कि बस व्यूज आ रहे हैं। हमको सिर्फ व्यूज से मतलब नहीं है, हमको YouTube से ऐसा कोई इंटरेस्ट वाली बात नहीं है, आप लोगों के हेल्प के लिए हम बनाते हैं। तो कमेंट करके जरूर बताइएगा इस वीडियो में कि आपको जो है ये वीडियोस हेल्पफुल हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। नहीं भी हो रहे हैं तो बताइएगा, हो रहे हैं तो भी बताइएगा, कैसे लगते हैं ये वीडियोस ये भी बताइएगा, और कुछ और चेंजेस अगर चाहते हैं तो बताइएगा। हमारे हक में अगर होगा तो उससे चेंज करेंगे, और नहीं होगा तो ऐसे ही बनाएंगे। दूसरा टेस्ट सीरीज का वीडियो मैंने अभी अभी अपलोड कर दिया है, उसमें मैंने बताया है कि कैसे आपको टेस्ट सीरीज एक्सेस करना है, नए सिलेबस के तरीके से अपलोड होगा, और टेस्ट जरूर दीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, आपको हेल्प हो जाएगा। दूसरा, घबराइएगा मत, बहुत सारे मैसेजेस आते हैं कि घबराहट हो रही है, डिमोटिवेशन फील हो रहा है, ये गलत है। हम आपके लिए मोटिवेशन वाले भी कुछ वीडियोस तैयार करेंगे। हमारा उद्देश्य है आपका सिलेक्शन दिलाना, और आपके सिलेक्शन में अगर हमारा 1% भी रोल होगा ना तो वो हमारा अचीवमेंट है। हम अपना अचीवमेंट किसी और चीज से नहीं नापते हैं, हम सिलेक्शन से नापते हैं। हम सिलेक्शन में अगर किसी के सिलेक्शन में भी हमारा रोल है तो ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। हम वो सिलेक्शन और जो रिजल्ट वाले दिन है ये देखना चाहते हैं कि कितने लोगों को हमने इन्फ्लुएंस किया है, या कितने लोग हमसे या हमारे वीडियो से या किसी भी टेस्ट सीरीज से, क्लासेस से, गाइडेंस से, किसी भी तरीके से अगर उनको हेल्प हुआ है, हम ये देखना चाहते हैं। हम उसको अचीवमेंट मानेंगे, हम बहुत खुश होंगे, और उस दिन हम चैन की नींद सोएंगे। हम जानते हैं बेरोजगारी की दर्द क्या होती है, हम खुद के पर्सपेक्टिव से नहीं कह रहे हैं, हम बहुत ज्यादा इस चीज में स्ट्रगल नहीं किए हैं। हम 2018 में बीटेक किए और 2020 में हमारा एमटेक हुआ, हम असिस्टेंट प्रोफेसर रहे हैं, बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज हमारे साथ हमारे पास हमेशा रहे हैं, हमने और भी गवर्नमेंट एग्जाम्स क्लियर किए हैं, लेकिन हम जानते हैं, हमारे दोस्त भी हैं, और हम सिचुएशन को जानते हैं। एक्चुअली हम जानते हैं कि एक सरकारी नौकरी क्या अहमियत रोल प्ले करती है हमारे जीवन में, और इस दर्द को हम बखूबी समझते हैं, और आपके साथ हम हमेशा हैं। इसलिए हम कहते हैं कि कुछ भी दिक्कत हो तो हमें बताइए, अगर आपको फाइनेंशियल दिक्कत भी होगी ना तो भी हमें बताइएगा, कोई ऐसा इशू नहीं है। और अगर फाइनेंशियल हेल्प भी अगर हम करते हैं तो हमें जरूर कहेंगे कि सिलेक्शन दीजिएगा, और उसके बाद हमको हम फिर सूद समेत लेंगे, है ना। एक बार आपका सिलेक्शन हो तो बहुत बड़ा एक गेट टुगेदर करेंगे, रायपुर में, दुर्ग में, अंबिकापुर में, जगदलपुर में, बिलासपुर में, है ना, ये 5 जगहों पर आप गेट टुगेदर करेंगे। जगह जगह जाएंगे और वहां पे जितने भी होंगे तो उनके साथ गेट टुगेदर करेंगे, खर्चा हम करेंगे, ठीक है। आज की वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, 30 मिनट के आसपास हो गया, आप 30 मिनट देख के आप में से बहुत लोग भाग भी गए होंगे, ठीक है। कुछ भी दिक्कत हो तो बताइएगा। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।